बड़े आनंद का विषय ये है कि एक ऐसा परिवार है ये कि जिसकी सुंदरता इस विश्व में कहीं नहीं है, उस इतने जितना सुंदर जितना ये परिवार है। देखो कौन सा परिवार, जिसके अंदर एक चूहा है, एक सांप है, एक मोर है, एक सिंह है, एक बैल है, और ये सब एक दूसरे को खा जाने वाले हैं, लेकिन सब एक साथ बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी को भी अपने पद का अहंकार नहीं है। कोई किसी को, हर किसी के सम्मान में जी रहा है। भगवान शिव का अभिषेक रोज करती हैं पार्वती, पति परमेश्वराय नमो नमः, दोनों पुत्र आकर अपना नियम निभाते हैं, और पिता के रूप में शिव और पति के रूप में शिव भी अपने नियमों का निर्वाह कर रहे हैं। जब जब परिवार में इस तरीके से कार्य होगा वो परिवार उन्नत होगा, और जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में जीता, एक भी व्यक्ति परिवार में ऐसा होगा, निश्चित मान के चलना उसके वजह से पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो हम भगवान को पूजते हैं तो भगवान के विग्रह की सुंदरता को भी पूजना चाहिए। एकमात्र हमारे पास ऐसा परिवार है भगवान शिव का परिवार, जो पूरा पूजा जाता है, बाकी किसी का पूरा परिवार हम और आप नहीं पूज पाते। सोचो कितनी सुंदर बात है, भगवान शिव का परिवार ही तो हम पूजते हैं, बाकी कौन सा है हमारे पास पूजने के लिए? कोई अगर हो तो आप बताओ। तो श्रद्धा और विश्वास, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, पत्नी और पति के संबंध की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि ये दोनों श्रद्धा और विश्वास की तरह काम आने चाहिए। पत्नी को पति में श्रद्धा होनी चाहिए और पति को पत्नी में विश्वास होना चाहिए। अगर ये दोनों कार्य अपनी गति से कर रहे हैं तो आप समझ लेना कि जीवन में कभी कोई समस्या नहीं कर सकती। उसको अपनी श्रद्धा नहीं तोड़नी, उसको अपना विश्वास नहीं तोड़ना, और अगर ये कार्य सही से हो रहा है तो आप समझ लेना कि जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो नहीं हो सकता। लेकिन हम भगवान को तो पूजते हैं, भगवान के विग्रह के विज्ञान को नहीं पूजते। भगवान को तो पूजते हैं, भगवान के मुखारविंद को के दर्शन तो करना हमें बहुत अच्छा लगता है, पर भगवान के हाथ में जो सुदर्शन है उसको पूजना नहीं चाहते। मां भवानी के सुंदर मुख को तो पूजना अच्छा लगता है, उनके अष्टभुजाओं में टंगे हुए हथियारों को नहीं देखना चाहते हो। क्यों? जब आपका हर देवता हथियार लेके दर्शन दे रहा है तो उन हथियारों से आप अलग कैसे हो सकते हैं? और इस कलयुग में तो उनकी पूजा विशेष करने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, जिस संस्कृति में शस्त्र और शास्त्र बराबर चलेंगे वही संस्कृति फलती और फूलती है। जहां इनमें से एक भी चीज कम हो जाएगी वो संस्कृति खत्म होती चली जाएगी। अरे जीवन में समझने का बात है।